बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारियों को आज से कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इधर देखिए, पटना जदयू ने बिहार में अल्पसंख्यकों को संगठन से जोड़े रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत किया है, जिसमें मोहम्मद जमाल को उत्तरी बिहार और अलेक्जेंडर खान को दक्षिणी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सर जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी ने बहुत सारे गुण इन लोगों के अंदर देखे होंगे और ये लोग पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ही पुराने अधिकारी हैं, इसलिए बहुत उम्मीद के साथ इन लोगों को बनाया गया है। हम लोगों के गार्जियन हैं, हम लोग माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग पूरे बिहार में इन दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में बहुत तेज़ी के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। शकील अहमद हाशमी, पटना से। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद आज पटना के IGIMS में पहुंचे। यहां कोरोना उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने पटना एम्स को कोरोना वायरस डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करने की मांग रखी है। प्रदेश सरकारें लगी हुई है और मैं यही कहूंगा कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, एक चिंता की बात है। हमें सबको संभालना है, सबको हमें वैक्सीन लगाना है। इसलिए मैंने एक संख्या फिर रिपीट करूंगा, आज तक 11 करोड़ डोजेस देश के लगभग 9.5 करोड़ लोगों को लग चुके हैं और अभी किसको लग रहे हैं, 45 साल उसके ऊपर के और भी लगे। तो भारत सरकार काफी कृतसंकल्प है और राज्यों के साथ हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, ये हमारी अपेक्षा। पटना के अगमकुआं स्थित NMCH में लगातार मरीजों की मौत से जहां अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ, यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। विश्व हेरिटेज खुदाबख्श लाइब्रेरी के लॉर्ड कर्जन भाग को ओवरब्रिज बनने के दौरान तोड़े जाने के विरोध में और इन सब के बीच एक आम रास्ता निकालने के लिए आज नागरिक संवाद कार्यक्रम किया गया। वो मैंने एक कारगिल चौक से लेकर NIT तक सरकार फ्लाई ओवर बनाना चाहती है, मैंने जाम की समस्या से निजात के लिए और उसमें खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है उसका एक पार्ट और कर्जन हॉल जो है लॉर्ड कर्जन हॉल उसको तोड़ने की बात हो रही है। उसके साथ ही जो साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय करीब बिल्डिंग बन रही है, तो जब हम लोग को ये बात मालूम हुई तो हमने बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा इसको बचाने के लिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया 8 अप्रैल को दिया और ये हम लोगों ने गुजारिश किया कि इसको रोका जाए किसी भी कीमत पर। UNESCO ने भी विश्व के धरोहरों में इसे 1969 में शामिल किया है, तो ऐसे धरोहर को और ज़्यादा संरक्षित करने की ज़रूरत है, न कि इसे तोड़ने का। इसलिए हम लोगों ने लिखा है और आज हमने यहाँ इस हॉल में नागरिक पटना शहर के जो नागरिक हैं उनकी बैठक बुलाई है कि और क्या इसका विकल्प हो सकता है कि बिल्डिंग नहीं टूटे और जो आवागमन का रास्ता भी है उसको सुगम बनाए।